एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं होममेड मलाई से बनने वाला एक यम्मी सा केक। अवन में बनाएंगे। ये देखिए, हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है ये मैदा, रिफाइंड फ्लावर जिसको आप कहते हैं वो है 1.5 कप। इसके बाद हमने लिया है बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच, बेकिंग पाउडर, शुगर हमने 1 कप ली है, चीनी को 1 कप लेकर फिर पीसा है, यानी मेजर आपको पहले करना है, पिसी हुई चीनी को मेजर नहीं करना है। ये हमने मिल्क लिया है 1/2 कप, वेनिला एसेंस 1/2 टीस्पून, और मलाई ली है हमने 1 कप, और ये कुछ हमने पिस्ता चॉप करके ले लिए हैं। हमने देखिए एक ये बड़ा बाउल लिया है और एक ये छोटा बाउल लिया है। हम बड़े बाउल में वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। आप ये मत सोचिए कि बड़े बाउल में थोड़ा सामान है, क्योंकि हम वेट इंग्रेडिएंट्स में ही अपने ड्राई डालेंगे, तो ये बाउल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये केक का मिक्सचर जो है टोटल इसमें बनेगा, जिसमें हम पहले वेट इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें मलाई, अब हम डाल रहे हैं इसमें ये पिसी हुई चीनी। ये आपको मलाई येलो दिख रही है क्योंकि ये गाय के दूध की मलाई है, तो आप कोई भी मलाई ले सकते हैं। घर में कभी कभी होता है कि मलाई ज्यादा हो गई है, तो क्या करें, बच्चों के लिए ये बनाइए बढ़िया सा केक। अब हम इसको हल्के से मिक्स करेंगे। देखिए, इस टाइप से बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है चीनी के साथ। अगर हम ज्यादा फेंटेंगे ना तो इसमें घी निकल आएगा, तो बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लें। ये मैदा है, इसमें हम सोडा डाल देंगे, इसमें फिर हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे। मेजर आप प्रॉपर कीजिए, तभी केक जो है वो अच्छा बनता है। इसको एक बार ऐसे मिक्स करेंगे। और इसको अब हम छान लेंगे। छानने से जो है, एक तो ये सब अच्छे से मिक्स हो जाता है, और अगर कुछ इम्प्योरिटी इसमें होती है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। छानना जरूरी है, तो ये स्टेप जरूर फॉलो करें। ये मत सोचें कि हम अच्छे से मिला लेंगे, ऐसे करके आप देखिए नीचे कितने अच्छे से छन के बिल्कुल इक्वल हो जाता है, तो केक राइज अच्छा होता है। एक बार मैंने छान लिया और दोबारा से मैंने मैदा को डाला है। देखिए, दोबारा मैं इसको छान रही हूं, तो मतलब दो बार हम इसको करेंगे, दो बार छानेंगे। अब आप देखिए इस तरह का हो गया है, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दो दो चम्मच करके ऐसे डालेंगे, 2-3 चम्मच, और इसको मिलाएंगे हल्का सा। ये मिल गया, देखिए। अब हम 2-3 चम्मच फिर डालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये देखिए मिल गया, थोड़ा थिक हो गया। अब हम थोड़ा इसमें डालेंगे दूध, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको चलाएंगे। लाइक जरूर कीजिए, आप देखते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं। आप लाइक करेंगे, आपको पसंद आएगा, तो मुझे लगेगा कि ये आप हौसला अफजाई कर रहे हैं और मुझे और वीडियोस बनाने का मन होगा। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। अब ये सारी मैदा डालने के बाद, सारा आटा डालने के बाद, ये इस टाइप का हो गया है, थिक हो गया, क्योंकि हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए। तो हम ये मिल्क थोड़ा थोड़ा डालकर चलाएंगे। वैसे मैंने मेजर करके लिया है, पर देखिए क्या होता है, मलाई हर घर का अलग होती है, कुछ हल्की है या बहुत थिक है, तो उसका फर्क पड़ता है। तो बस कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी है। तो ये हमने ये डाल दिया है पूरा मिल्क, थोड़ा इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी होना चाहिए। अब आप देखिए ये पूरा स्मूथ नहीं है, पास से देख रहे हैं ना आप। अब हमें इसको इतना विस्क करना है, इतना बीट करना है ताकि ये स्मूथ हो जाए ऐसे। इसी साथ हम इसमें वेनिला एसेंस डाल देंगे, ये लास्ट इंग्रेडिएंट है, और इसको अच्छे से विस्क करेंगे, मिक्स करेंगे जब तक ये स्मूथ हो जाए बिल्कुल।
इधर मैंने केक टिन को जो है तैयार कर लिया है। इसमें पहले मैंने इसको ऑयल से ग्रीस किया है, मैदा से डस्ट कर लिया है। दूसरे मेरे केक की रेसिपीज में मैंने आपको कैसे केक का टिन तैयार करना है बता रखा है। आप चाहें तो पार्चमेंट पेपर भी इसमें लगा सकते हैं। अब ये देखिए, हमने इसको एक ही साइड में घुमाना है, ये मैं आपको बताना भूल गई। एक ही साइड में ऐसे एक ही साइड घुमाते हुए चलाना है। और अब आपको मैं दिखाऊं, मैं इस टाइप का हो गया ये। बहुत ज्यादा पतला नहीं चाहिए हमें ये मलाई वाला केक, इस टाइप का क्रीमी हो गया है ना। तो अब हम इसको अपने डिश में डालते हैं। ये देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। देखिए बैटर को हमने केवल सेंटर से डाला और ये फिर ऐसे एक दो बार टैप कर दिया। अब ये जो मैंने नट्स लिए हैं ये केवल पिस्ता है, पिस्ता को बारीक काट लिया। आप चाहें तो बादाम भी ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से इस पे डाल देंगे। केक देखने में सुंदर लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो ये घर के बने हुए केक जरूर ट्राई कीजिए अपने बच्चों के लिए। आजकल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो बार बार खाने के लिए कहते हैं, तो इससे अच्छा कुछ ऑप्शन नहीं है। और सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए। इस टाइप से हमने इसको कर लिया है। ये बच्चे खाएंगे इसलिए मैंने काफी सारे पिस्ता लिए हैं और मैंने पूरा ही इसमें डाल दिया है। ये करीब 1/4 के कप के करीब थे। और अब हम हल्के हाथ से इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, जो कुछ थोड़ा सा ऊपर रह जाएंगे और कुछ थोड़ा सा बेस के अंदर चला जाएगा। देखिए मर्ज हो गए ना ऊपर वाली लेयर में, ऊपर से भी दिख रहे हैं और अंदर भी चले गए। तो अब ये हमारा तैयार हो चुका है रखने के लिए। अवन हमने पहले से प्री हीट कर लिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे और हम ये सेंटर वाले रैक में इसको रख देंगे। हमने केवल यहां पर बॉटम ऑप्शन सिलेक्ट किया है, केवल बॉटम पे है ये। और 170 डिग्री पर हम 30 मिनट्स के लिए रख रहे हैं। बीच में चेक करते रहेंगे, अवन डिफरेंट होते हैं तो आपको देखना पड़ता है, बिल्कुल फिक्स टाइम नहीं है। ये आप देख सकते हैं 20 मिनट्स के बाद केक इस तरह दिख रहा है, यानी राइज होना शुरू हो गया है केक। 20 मिनट्स हो चुके हैं तो हमें ऐसे देखते रहना है, चेक करते रहना है। अब हमने इसको देखा है 38 मिनट्स हो गई हैं। अब हम इसको खोल लेते हैं। बहुत ध्यान से अवन को यूज करना चाहिए। ये देखिए अब हम इसमें टूथपिक लगा के देखते हैं। अभी थोड़ा सा हमें और रखना है और हमारी ये टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लीन निकली है। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, केक हमारा तैयार है, कलर बहुत सुंदर है। तो आप अवन अपने अवन के हिसाब से टाइमिंग रख सकते हैं। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा होने की इंतजार करते हैं। अब केक हल्का ठंडा हो गया है, इसको हम ऐसे करेंगे और इसको झटके से अब ऐसे रख देंगे। और ये देखिए आप कितना बढ़िया केक है, बहुत ही बढ़िया केक बनकर तैयार है। आप जरूर बनाइएगा। ये देखिए जाली आपको दिख रही है और मैं धीरे से इसको सीधा करती हूँ। सीधा करने की कोशिश करते हैं इसको। वाओ लवली केक, बहुत ही सुंदर केक बना है, बहुत ही यम्मी केक बना है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो अब केक को कट करते हैं और आपको मैं एक पीस दिखाती हूं। और ये बहुत अच्छा बना है, अभी हल्का गर्म है। जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर बनाइएगा। देखिए ये देखिए केक क्या जाली पड़ी है और बहुत ही बढ़िया। मैं आपको यहां तोड़कर भी दिखाऊं। ये देखिए
जरूर बनाइए, जरूर खाइए, इतना टेस्टी केक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज।